आ जावे आ जावे छिपकली आ जावे। और मैंने किसी को नहीं दी, पैसे दे रहे थे 3-3 हज़ार रुपये, तो मैंने किसी को नहीं दी जबकि 2 हज़ार रुपये की थी और 3 दिन पर मिल रहे थे, तो मतलब 1,000 रुपये का प्रॉफिट होता था। सीन अभी ऐसा है कि 50-50 हो रखा है, मतलब ना हमें इधर का ना उधर का बीच में है। तो भाई गाइस इस जन्म में तो भूल जाओ कि तुम्हें ढोकला नसीब हो जाएगा, क्योंकि हमारी सैफ ना फ्लॉपी हो रहा है दीदी। हां फ्लॉपी तो सही फ्लॉपी हो, मेरे ख्याल से तो ये जल गया दीदी। सही है, इसमें ज्यादा फालतू नहीं निकलेगा मेरे ख्याल से। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस तो मैंने सोचा सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि हमारे घर में घुस चुका है नन्ना सा प्यारा सा छिपकली का बच्चा, वो हमारे वॉशरूम में है और मम्मी हमारे निकाल रही हैं। हाँ निकला है, अरे मारो तो पीछे, पीछे कैसे मारूं उसमें ऐसे कर खड़ा हुआ है। तो फिर ऐसे पीछे मारोगी तभी तो निकलेगा। पीछे कैसे मारूंगी, अबे ऐसे मारने पर तो गाइस कोई नहीं, हमारे वॉशरूम में घुस गया है वो, तो देखते हैं हम कहाँ पर है। पीछे कहाँ है, मुझे तो लगता अंदर घुसा भी है। अरे पीछे घुस गया जो सब ऐसा वो नहीं है लैटरिन की। हाँ गाइस दिख तो रहा है नहीं मुझे, मम्मी को पता नहीं कहाँ से दिख गया, देखते हैं अभी निकलता है कि नहीं। ये अच्छा खासा रात, ये रात से आ रखा है और मैंने रात में बताया था, बताया नहीं होगा, रात से आ रखा है ये और मुझे लगा इस वाले गेट से निकलेगा, बट इसके नीचे इतना गैप है नहीं। मम्मी इतना तो गैप है यार, निकलने को निकल सकता था ये रात में, पर ये निकला क्यों नहीं बदतमीज। लो पकड़ो कैमरा तो पकड़ो, ब्लॉग तो बना लो गाइज। झाड़ू ले लेना, ये पीछे को भाग जाएगी, स्पेस है नहीं, कहाँ से घुसू बताओ। लैट्रिन पे चढ़ जा फिर घुस जाएगी, सारे लोग तो फिर गई। मैं तो बोल रहा हूँ फिर गई, पानी डाल पीछे ऊपर से, ऊपर से इससे पानी डाल, हाँ पीछे करके डाल, पीछे 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 डाल पीछे, देख कितनी बड़ी दुविधा आ गई है मुझसे, तो मम्मी डर रही है देखो। आ जावे आ जावे छिपकली आ जावे आ जावे आ जावे छिपकली होना आ जावे। A few moments later, so guys अब पापा आ गए, पापा निकालेंगे छिपकली के बच्चे को। अरे इसके पीछे है पापा, पीछे तो नीचे नीचे, हाँ हमने पानी भी मारा भैया, तो निकल गया चल रहा है यही, तू नहीं निकलेगा, हमने सामने की बात है, तूने देखा नहीं क्या था बाहर में निकल गया वो। इस साइड है, इस साइड, इस साइड नीचे नीचे है, और हाँ जब भी यहाँ पर हो रही कहीं फाइट हम देखते हैं। ओ देखिए गाइस कितनी तेज की फाइट हो रही है, बहुत तेज, मुँह से चांटे पड़ने वाले हैं, और ये हमारा भाई साथ में। हाँ भाई हटा अभी डॉक्टर के पास, क्या हाल है। तो गाइस आज इसका तीसरा वो है, चौथा वो है, चौथा ऑपरेशन, मतलब चौथा टांका लगने वाला है इसके, और हम आ गए हैं जॉगिंग करते करते इसके पास। अभी पेशेंट है भाई, तू नहीं जा पाएगा, बेस्ट ऑफ लक, ओए बेस्ट ऑफ लक तो बोल दे, ओए बेस्ट ऑफ लक। की हाल है, ओए पापा भी आ गए हैं, और हमें लेट है बेटा, हम ही लेट हैं। सो गाइस अभी आ चुके हैं घर पर, और गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो थोड़ा गाइस अभी मिलते हैं कुछ चेंज वेंज करके, क्योंकि अपन ने पहन रखा ट्रैक सूट और इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगी गाइस, तो कुछ खा लेंगे हम यहाँ, और अब थोड़ा ठीक अच्छा फील हो रहा है। तो गाइस मैंने सोचा अभी कुछ कॉन्टेंट तो है नहीं, तो अपनी थोड़ी वार्डरोब ही दिखा दो, जो मैंने अपनी न्यू न्यू कलेक्शन कर लिया है, ये सब तो पुरानी है, ये मेरी बम्बर जैकेट, यू नो
आई थिंक आपने देखी होगी कि नहीं, पर मैं दोबारा दिखाता हूँ अगेन अगेन। इस जैकेट के पीछे गाइस बहुत लोग पड़े हुए थे, सॉरी कोई आ गया। कौन? और मैंने किसी को नहीं दी, पैसे दे रहे थे 3,000 रुपये, तो मैंने किसी को नहीं दी जबकि 2,000 रुपये की थी और 3,000 रुपये मिल रहे थे, तो मतलब 1,000 रुपये का प्रॉफिट होता था देन, बट तब भी मैंने नहीं दी क्योंकि मेरी ये फेवरेट था। और गाइस अभी मैंने शर्ट परचेज कर लिया, देख सकते हैं ऑनलाइन, हाउस इट, कमेंट में बताना कैसी लग रही है। ये जो लार्ज साइज़ है बट आजकल चल रही है कोरियन लुक, लूज वाली ओवर साइज शर्ट, तो मैंने ये परचेज कर ली है। और ये जिसे मैंने भी लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि ये शॉर्ट्स मैंने परचेज करा ऑनलाइन, और ये मैंने मंगवाया है only.com से, जो कि बहुत मतलब यहाँ का नहीं है, ब्लू डेनिम 1995 के उसका है, तो देख सकते हैं कैसा लग रहा है, मस्ती लग रहा होगा। और ये सब कलेक्शन मैंने इसलिए जोड़ी है, तुम बताता हूँ अभी आगे। ये मैंने अपने लिए बैग मंगाए थे, देख सकते हैं ये वेस्ट बैग है, चेस्ट बैग बोल लो, वेस्ट बैग बोल रहा है। अब बाकी जीन्स वगैरह जो अंदर पड़ी मैं दिखाऊंगा। तो गाइस ये सब मैंने कलेक्शन कलेक्ट करी थी कि हम हरिद्वार जाने वाले, उस पर थोड़ा अरेंजमेंट कर लेते, चीज़ें मंगा लेते हैं। बट यार हुआ क्या एक्चुअली, मैं अभी कुछ सीन का पता नहीं चल रहा, क्योंकि सीन अभी ऐसा है कि 50-50 हो रखा है, मतलब ना हमें इधर का हूँ ना उधर का हूँ, बीच में है, तो अभी कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं नहीं बताने वाला था कि भाई हरिद्वार का प्लान बन रहा है। ऑलमोस्ट डन है, सब चीज़ें हो रखी हैं, बट अभी कुछ पता नहीं चल रहा है इन लोगों का, देखते हैं। बाकी मैं आज पूछ लूँगा, इसलिए मैंने पैकिंग भी नहीं करी है, इसलिए मैंने पैकिंग तक नहीं करी अपनी, क्योंकि अगर पैकिंग मैंने कर ली और ना हो गई तो फिर मुझे दोबारा चीज़ें निकालनी पड़ेगी, तो वही चीज़ है। तो गाइज यही चीज़ हो रही है और कुछ नहीं है, और बाकी देखते हैं, आज मैं कन्फर्म कर लेता हूँ दादी के जाके, देन उसके बाद मैं बता हेल वुमेन फिर मैं जा उनसे डिस्कस करता हूँ, फिर आंसर उनसे पूछने के बाद मैं अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दूंगा गाइस। तो मैं दिखाऊंगा फिर मैंने क्या पैकिंग में अपने बैग से हमें क्या कैरी करने वाला हूँ, कितने जोड़ी जूते लेने में के जाने वाला हूँ, कितने जोड़ी कपड़े लेके जाने वाला हूँ, पेयर। तो गाइस दो दिन हम मौज काट लेंगे, बट ये सब तब पॉसिबल हो पाएगा जब हम जाएंगे, सब चीज़ डिपेंड करती है जाने पर, तो प्लीज़ चल लो यार तुम। ये देखो इनकी सेहत का राज, देखो ये रहा समोसे खा रहे हैं। अच्छा मम्मा को आता ढोकला बनाने, देखो जाके। तो आज चाची के यहाँ बन रहा है ढोकला, अपन किचन ढोकला बन रहा, कुकर बनता है क्या? ठंडा होता है उसको ना फ्रिज में रखना पड़ता है ना, और उसके अंदर क्या क्या डलता है, क्या क्या डलता है उसके अंदर, चीनी भी डलती है पता तेरे को उसके अंदर, पानी भी डलता है, चीनी भी डलती है। दिखाते हैं आपको ढोकले की प्रिपरेशन जो बना रही है चाची हमारी, मैदा होता है, जला दिया नहीं। तो गाइस इस जन्म में तो भूल जाओ कि तुम्हें ढोकला नसीब हो जाएगा, क्योंकि हमारी सैफ ना फ्लॉपी हो रहा है दीदी, फ्लॉपी मेरे ख्याल से तो जल गया दी, इसमें ज्यादा फालतू नहीं निकलेगा, मेरे ख्याल से जल गया दी है चाची, है ये जब बनाती है ना चीज जला, पता दादी क्या बोल रही, स्टीम में कोई चीज जलती नहीं है, पता दादी क्या बोल रही, दादी बोल रही अरे सीखने बच्ची है, मैंने बोला 3 बार जला दिया बच्ची ने ढोकला, बनाते हैं मसाला, मसाला क्या डोसा थोड़ी बन रहा है, मसाला मिर्ची का, ये गाइस ये अगर तुम्हारे मुंह तक ढोकला जाए तब मानूंगा कि बन गया है, हमारे मुंह तक जब ढोकला जाएगा तब मानेंगे हम बन गया है, नहीं तो अदरवाइज भूल जाओ। तो गाइस इनका ढोकला हो चुका है लगता है, आई थिंक खराब, तो यही करते हैं गाइस ब्लॉग को एंड, आज तो मुश्किल आई कि हमारे को खाने को मिल जाए क्योंकि ऑलमोस्ट हो चुका है खराब, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट में गाइस, बाय। और बारिश हो रही है गाइस थोड़ा देखकर।